नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बिहार LRC की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 14/6/2019 का ये अपडेट निकल कर आया हुआ है। एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यूज पेपर के जरिए, और क्या बातें बताई गई है चलिए आपको सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हम डाउनलोड किए गए पेपर पर आ चुके हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं 14 जून 2019 का यह पेपर है और हमने डाउनलोड करके रखा है प्रभात खबर से। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि 235 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 470 विशेष सर्वेक्षण कानून गो व 470 विशेष लिपिक तैनात। बताया जा रहा है कि 11,291 राजस्व गाँव में होगा जमीन सर्वे, कर्मियों की हुई तैनाती। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो पॉइंट में दिए गए हैं कि 5,060 विशेष सर्वेक्षण अमीन काम करेंगे सर्वे का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य में पहले चरण में 14 जिलों के 11,291 राजस्व गांवों को जमीन के लिए राजस्व विभाग ने तैयारी कर दी है, शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती को लेकर खाका तैयार किया है। पहले चरण में जमीन में 5,060 विशेष सर्वेक्षण अमीन काम करेंगे। इसके साथ ही 235 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 470 विशेष सर्वेक्षण कानून गो हुए, 470 विशेष लिपिक सह पेशकार की तैनाती होगी। 151 आंचलों के लिए लगभग 235 शिविर लगेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकारियों व कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण। तो पहले चरण में 14 जिले बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, सुपेल, किशनगंज, सीतामढ़ी, यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम इससे विशेष सर्वेक्षण के साथ बंदोबस्त कार्रवाई की होगी। इससे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व विशेष सर्वेक्षण कानून को से 23 से 27 जुलाई प्रशिक्षण मुख्यालय में मिलेगा। अभी लोगों को देख पा रहे हैं जो विशेष अधिकारी, इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ये कहाँ पर दिया जाएगा, ये प्रशिक्षण मुख्यालय में मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्यालय सहायक का भी नियोजन। जमीन सर्वे के लिए बनने वाले प्रत्येक शिविर के लिए कार्यपालक सहायक का नियोजन होगा। नियोजन का DM को करना है। आप लोग देख पा रहे हैं जो नियोजन का काम होगा उसको DM को करना है। कार्यपालक सहायक का भी यहाँ पर नियोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग में आज से होगी काउंसलिंग, मिलेगा प्रशिक्षण। तो ये आज से मतलब दोस्तों ये 14 तारीख की डेट को बताया जा रहा है कि राज्य में जमीन सर्वे के लिए संविदा पर विभिन्न पदों के नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की शुक्रवार से काउंसलिंग होगी। पटना ने शास्त्री नगर स्थित राजस्व विभाग के सर्वे निदेशालय प्रशिक्षण संस्थान में नियोजन भवन में होना है। काउंसलिंग करने वाले काउंसलर को गुरुवार का नियोजन भवन प्रशिक्षण दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 27वें बिहार सचिवालय सेवा के 25 अधिकारियों के अलावा बिहार सचिवालय सेवा के 50 सहायकों का प्रशिक्षण में शामिल हुए। इस नियोजन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की किस तरह से जांच करनी है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सरकारी ज़मीन में दिखेगा विभाग का नाम, मांगा गया ब्यौरा। तो जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उन पर विभाग का नाम दिखाया जाएगा, पूरा ब्यौरा मांगा गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई भी सरकारी ज़मीन किस विभाग की है उसका पता अब जब चल जाएगा। तो इसके लिए सभी विभागों को अपनी ज़मीन का नामांतरण यानी नाम दर्ज कराना होगा। और राज्य में होने वाले विशेष सर्वेक्षण के लिए सभी विभागों को अपने स्वामित्व का जमीन व विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्जित जमीन का ब्यौरा संबंधित बंदोबस्त कार्यालय के उपलब्ध कराना है। साथ ही ऐसी सभी जमीन का नामांतरण भी करना है ताकि जमीन का रिकॉर्ड तैयार होने के समय संबंधित विभाग का नाम प्रदर्शित किया जा सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग के प्रधान सचिव सचिव को पत्र लिखा है। और हटाना है अतिक्रमण, और सभी DM को सरकारी ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इसके बाद ही विभाग के नाम पर जमीन का नामांतरण होगा। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और ये न्यूज़पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।